गाइज, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, अगर हम उनको सप्रेस करते हैं, हम हमारे इमोशंस की नहीं सुनते हैं, तो हम इस बॉडी की विजडम से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम इमोशंस फीलिंग्स से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये सारी एनर्जी सारा प्राणा हमारे ब्रेन में जाने लग जाता है और हम लॉजिकल हो जाते हैं। लॉजिकल होकर हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, बहुत सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं, बट हम उनको इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इंजॉय करने के लिए चाहिए फीलिंग्स एंड इमोशन जो कि हमारे इस फिजिकल बॉडी में है, और हम इनसे डिसकनेक्ट हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में जो आपने अचीव किया उसको इंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आप अपने इमोशंस की मास्टरी करना चाहते हैं, तो आपको ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जो कि मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने के प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, जिससे कि हम हमारे इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाते, वो है कि हम हमारे इमोशंस के साथ में वर्क करने के बजाय हमारे इमोशंस के ना अगेंस्ट में वर्क करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव रिलेशन बन जाता है हमारे इमोशंस से, और उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो ये नेगेटिव इमोशन बनता ही क्यों है, ये नेगेटिव रिलेशन बनता ही क्यों है, वो इसलिए बनता है क्योंकि शुरू से ही वी आर ट्रेन्ड, वी आर प्रोग्राम्ड कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, एक एंटागोनिस्टिक फोर्स होते हैं, एक ऑपोजिट फोर्स होते हैं, जो कि ना हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, हमारे अगेंस्ट में वर्क करते हैं। या फिर आपने कई बार सुना होगा, ज्यादा इमोशन में मत बहो, अगर तुम बहुत ज्यादा इमोशन में बह जाओगे तो अपनी लाइफ में वो नहीं अचीव कर पाओगे जो तुम अचीव करना चाहते हो, या फिर कि अपने इमोशन को ओवरकम करना चाहिए तुम्हें, अपने इमोशन को कॉन्कर करना चाहिए, लाइक कि किसी चीज के विरुद्ध ना हमें लड़ाई करनी है, इस तरीके की तो हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग होती है, जिससे क्या होता है कि धीरे 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 हम इमोशन को सप्रेस करने लग जाते हैं, क्योंकि इमोशन तो अच्छे नहीं होते, और इमोशंस को हमें ना ओवरकम करना है या फिर उनको सप्रेस करना है, किसी भी तरीके से उन इमोशंस से ना हमें डिस्कनेक्ट होकर रहना है। तो शुरू से ही हमने जो सीखा वही गलत था। एक्चुअली हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, मैसेंजर होते हैं, इस बॉडी की जो विजडम है ना वो हमें देते हैं। इट्स लाइक कि अलार्म, हमारे इमोशन अलार्म की तरह होते हैं, अगर हम उसकी एक बार नहीं सुनेंगे ना, दूसरी बार वो बजेगी, दूसरी बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार बजेगी, लेकिन अलार्म के साउंड है ना लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर होती जाती है जब तक हम इसको नहीं सुनते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत सारे इमोशन सप्रेस होकर हमारी बॉडी में ना रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हैं, एक इनर टर्मोइल चलने लग जाता है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाता है, एंड जिसकी वजह से ना हमें खुद की ही बॉडी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, चाहे हम कुछ भी अचीव कर लेना, हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि इमोशंस के साथ हम कनेक्टेड ही नहीं है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब मैं ना थोड़ा वुंडेड थी, एंड जो भी मेरी प्रोग्रामिंग हुई थी, जो भी मेरा माइंड सेट था, जो भी मेरा वर्ल्ड व्यू था ना, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट मैं अपनी लाइफ में देख रही थी, क्योंकि आई वॉज एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के जो वर्ल्ड व्यू है वो देखना, वो क्या बिलीव करते हैं, अचानक से मेरी प्लेसेस चेंज होना ड्यू टू माई मैरिज, ड्यू टू माई जॉब, और ड्यू टू माई कॉलेज एंड ऑल। तो उससे मुझे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फील होने की वजह से ना, मुझे बहुत सारे इमोशंस फील होते थे, क्योंकि कई चीजें मेरे अगेंस्ट होती थी, जो मैंने आज तक देखा, आज तक समझा, आज तक सुना, उसके जस्ट ऑपोजिट चीजें मुझे मिलती थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, बड़ा बुरा भी लगता था, बड़ा रेजिस्टेंस भी आता था कि मैं तो ये चीज नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस। ईगो माइंड ऐसे ही वर्क करता है। जैसे कई बार ना मैं अपने ओपिनियन लेकर अगर दूसरे सोसाइटी में जाती या फिर दूसरे फील्ड में जाती, भले कॉलेज हो चाहे फैमिली हो, तो मुझे बड़ा ऑपोजिशन देखना पड़ता, बिकॉज मेरा माइंडसेट जो है पहले वाला ही है, मैं उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, बार बार कॉन्स्टेंट जो है ना क्रिटिसिज्म की वजह से ना, मतलब एक टाइम आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन क्रिटिसिज्म को अपने अंदर नहीं लेने वाली हूँ, नहीं
अपने इन इमोशन की सुनने वाली हूँ, क्योंकि जैसे वो क्रिटिसाइज करते हैं ना, मुझे बुरा लगता, मुझे गुस्सा आता, मुझे बुरा लगता, एंड आई यूज टू क्राई होल नाइट। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, चाहे वो कुछ भी बोलेंगे, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं गुस्सा होऊंगी, मैं कुछ नहीं फील करूंगी, मैं एकदम सॉलिड बन जाऊंगी, एक पत्थर के जैसे। मैंने डिसाइड किया एंड इस चीज को ना बार बार अपने ब्रेन में अफर्म किया, एंड बहुत जल्दी ना मैंने इस स्टेज को अचीव कर लिया कि अब लोग बोलते हैं और मुझे बुरा नहीं लगता। आई एम लाइक फ्लैट, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो एक्चुअली मेरे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म फील नहीं हो रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई कैन सेंस कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, या जो मैंने आज तक नहीं किया उसके जस्ट अगेंस्ट है। तो इट वॉज अ विन विन फॉर मी कि ठीक है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली कोई मुझे प्रेज कर रहा है या कुछ अच्छी बात है ना, तो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। और आई गॉट टू नो दैट कि एक्चुअली मैं बुरा नहीं फील कर पा रही, तो मैं अच्छा भी नहीं फील कर पा रही। एंड इस टाइम बड़ा कन्फ्यूजन मेरे अंदर क्रिएट हो गया, क्योंकि जोक्स भी कोई क्रैक कर रहा है ना, मुझे वो जोक्स समझ आ रहे हैं लॉजिकली, बट आई एम नॉट एबल टू लाफ फ्रॉम इनसाइड। सुपरफिशियली उनको खुश करने के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए मैं लाफ कर रही थी, हंस रही थी, बट मुझे वो अंदर से फील नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली मेरे अंदर ही एक इनर टर्मोइल चलने लग गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम फ्लैट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि इमोशनल डिसकनेक्शन मैंने अंदर से फील करना शुरू कर दिया। मैं खुद से डिसकनेक्टेड नहीं हूँ, बस दिमाग चल रहा है, लॉजिकली आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आई एम नॉट एबल टू फील थिंग्स। इस स्टेज में क्या होता है कि जब आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हो ना, आप बुरा भी नहीं फील कर रहे हो, तो इस स्टेज में क्या होता है, लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, देन दे गो अवे। आपको एज अ रग वो यूज करते हैं, डोरमैट यूज करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, एंड आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा। यू आर अलाउइंग देम, आप इसलिए अलाउ कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो एक्चुअली जब आप अपने इमोशन से डिसकनेक्ट होते हो ना, आपकी बाउंड्रीज उसी टाइम खत्म हो जाती है, आप बाउंड्री लेस बन जाते हो। अब आपकी बाउंड्री में कोई भी एंटर हो रहा है और वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कैसा भी एक्शन ले रहा है, बिहेव कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा। इसलिए इमोशंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके इमोशन आपको बताते हैं आपको किसी चीज से क्या फर्क पड़ता है, और कोई इंसान अगर कुछ करता है तो आपको कैसा फील होता है। तो अगर आप अपने इमोशंस के साथ डिस्कनेक्ट हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे आपकी सर्कमस्टांस ऐसी हो, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग हुई हो कि इमोशंस बुरे होते हैं, हमें इमोशंस को कॉन्कर करना है, हमें ओवरकम करना है, उसी टाइम ना आपका आपके इमोशंस के साथ एक नेगेटिव रिलेशन बन जाता है। जिस चीज के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिस चीज के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इट्स लाइक मैं नम हो गई हूँ, लाइक मेरा कोई पार्ट नम हो गया है, और यहाँ पर अगर कोई इंजेक्शन भी मुझे दे रहा है तो मुझे फील थोड़ी ना होगा। सेम थिंग यहाँ पर होती है, अगर हम डिसकनेक्टेड हैं और या फिर हम नम हैं, तो हम सेंसिटिव नहीं हैं। और जब हम सेंसिटिव नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें कैसा फील होना चाहिए, तो बात तो आती ही नहीं कि हम हमारे इमोशंस को कभी मास्टर कर सकते हैं। और जब हम हमारे इमोशंस को ही मास्टर नहीं कर सकते, तो लॉजिकली चाहे हम इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर लें, वो फिजिकल वर्ल्ड में रह जाएगा, लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसको खो देंगे, हमारी इनर विजडम को खो देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहें, और इमोशंस के साथ मास्टरी करने के लिए, इमोशन की मास्टरी करने के लिए ना, हमें जरूरी है कि हम इमोशनली सेंसिटिव रहें। टाइम के साथ हम हमारे इमोशंस को फील करें, समझें, एंड जब हम इमोशनली सेंसिटिव होंगे, एक्चुअली इमोशनल सेंसिटिविटी के ही ऊपर हम इमोशनल मास्टरी कर सकते हैं।
बट जब हम इमोशनल सेंसिटिव ही नहीं है, इमोशनली सेंसिटिव ही नहीं है, तो हम इमोशनल मास्टरी नहीं कर सकते. एंड देन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हमारी बॉडी विजडम क्यों नहीं दे रही, हम चीजों को फील क्यों नहीं कर पा रहे, इंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे. और इन इमोशनल सेंसिटिविटी के लिए ना कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है. अगर आप अपने अंदर इस इमोशनल सेंसिटिविटी को जगाना चाहते हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपकी इमोशनल मास्टरी के लिए, तो आपको क्या करना है, पहली चीज कि आपको अपने इमोशंस के साथ में वर्क करना है, ना कि उसके अगेंस्ट में वर्क करना है. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आई डू नॉट हैव टू अपोज माई इमोशंस. दूसरी चीज कि अपने इमोशंस को ना कोई भी नेगेटिव कोनोटेशन ना दे, कोई भी नेगेटिव मीनिंग ना दे, उसको एज इट इज वैलिडेट करें. जो भी इमोशन आप फील करें, चाहे वो एंगर हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे डिसगस्ट हो, चाहे वो खुशी हो, आपको उसको कोई भी मीनिंग नहीं देना है. आपको जैसा वो है ना वैसा ही उसको वैलिडेट करना है कि हाँ ये मेरा इमोशन है एंड ये एकदम सही है, ये जो इमोशन है मेरे लिए एकदम परफेक्ट है. अभी हर हाल में ना हमें उसको अनकंडीशनली वैलिडेट करना है. थर्ड थिंग इज कि कोई भी इमोशन रॉन्ग इमोशन नहीं होता. थर्ड थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कोई भी इमोशन रॉन्ग इमोशन नहीं होता. हर इमोशन के पीछे एक डीपर विजडम काम करती है. हमें उस डीपर विजडम तक पहुंचना है, उसके मैसेज तक पहुंचना है, जिसको प्रोसेस करने का तरीका मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देयर इज नो सच इमोशन लाइक बैड इमोशन या फिर रॉन्ग इमोशन. तो इस तरीके से हमें ना फुल्ली अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है. जिनको हम फुल्ली एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके साथ ही हम कनेक्शन बना सकते हैं. तो गाइज, अगर आपको इमोशनल मास्टरी करनी है तो आपको इमोशनली सेंसिटिव होना पड़ेगा. ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इमोशंस के प्रति सेंसिटिव है. जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ईजिली रो देती हूँ, मैं बहुत ईजिली गुस्सा हो जाती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत आसान है कि वो अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा एंड आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर की. तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.